वेलकम बैक टू गिरी हल्दन व्लॉग्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरे दूसरे जो व्लॉग्स हैं वो भी बरवक्त आप तक पहुँच सके और हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अपने दोस्तों से और आसपास के लोगों से शेयर भी कीजिएगा। तो आज के इस व्लॉग में मेरे जो छुट्टियों के बाद गिलगित से वापसी पे जो गिलगित सिटी में आखिरी महीना मैंने जो दिन गुजारा था उसकी हल्की फुल्की झलकियाँ हैं। इसमें से लोकल आर्टिफैक्ट्स आपको दिखा दूँगा थोड़ी सी, जहाँ से हमने परचेजिंग की थी, और आप लोग भी जब गिलगित जाएँ तो इस तरह की जो है ना मार्केटों में जाएंगे तो आपको वहाँ के लोकल लोगों के हाथों से बने हुए जो आइटम्स हैं, जो सौगात हैं, वो आप वहाँ परचेस कर सकते हैं। और फिर शहर के आसपास छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगा। गिलगित में हम इस वक्त अली हैंडीक्राफ्ट में किर्गिस्तान विज़िट करने से पहले आए हुए हैं, और यहाँ हम कुछ लोकल जो सौगात है, आर्टिफैक्ट्स, इनको ख़रीदने के लिए आए हैं। ये हमारे बशीर साहब हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इनकी दुकान में आपको मिलती हैं। कल्चरल गिलगित बल्तिस्तान के जो कल्चरल फ्लेवर्स हैं, कल्चरल कलर्स हैं, वो यहाँ आपको मिलते हैं। यहाँ और भी दुकानें हैं, तो यहाँ से हम ये चीज़ें ख़रीदेंगे। तो हम अभी जो क्याल्स है नीचे नलाई मार्केट में जाके थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस गन्यूर की तरफ निकले हैं, और ये गिलगित के दो चिनार बाग में दो मशहूर पुल आपको देखने को मिलते हैं जब आप गिलगित से गन्यूर या कर्णदास की तरफ जाते हैं। तो यहाँ एक लोहे का बना हुआ पुल है और एक लकड़ी का बना हुआ पुल है, दोनों बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। और गिलगित के चिनार बाग के बहुत पुराने पुल हैं ये, लकड़ी वाला तो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये लोहे वाला बाद में ट्रैफिक की ज़्यादती की वजह से बन गया। ये कर्णदास का इलाका है, यहाँ से अगर लेफ्ट मुड़ते हैं तो कर्णदास की तरफ, राइट मुड़ते हैं तो ये कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और फिर गन्यूर आ जाता है। ये PDCN है, आगा खान यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर गिलगित बल्तिस्तान। टीचर ट्रेनिंग में इस इंस्टीट्यूट का बड़ा रोल है। ये गिलगित में जो है सुई गैस पाइपलाइंस लिमिटेड का एक खुशाइंद इनिशिएटिव है, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद गिलगित में भी घरों में जो है गैस की सहूलत में असर आए इस प्लांट की वजह से। इलाका यहाँ पे कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाक़ है, गिलगित बल्तिस्तान की अकलौती यूनिवर्सिटी, और ये 2001 में बनी थी, उसके बाद से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन यहाँ के जो नौजवान हैं वो इससे ज़्यादा के हकदार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी वजूद नहीं रखती, जो कि एक अलमिया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे लीडर्स और
मुल्क के जो करता धरता हैं वो इस तरफ भी तवज्जो दें और यहाँ के नौजवानों के लिए बेहतर तालीमी सहूलियात के लिए अपना किरदार अदा करें और यहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जाए ताकि यहाँ से जो बच्चे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ रिमोट इलाकों से जो बच्चे आला तालीम के लिए शहरों में जो दर बदर फिर रहे होते हैं और उनको अनगिनत मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो अपने दरवाज़े पर जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकें। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो बच्चा यहाँ से ट्रेवल करके कराची में, लाहौर में, मुल्तान में या बलूचिस्तान में एजुकेशन हासिल करके आता है, उस पर जो ख़र्चा उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, वो ख़र्चा अगर उसका आधा भी अगर फीस की मद में ले लिया जाए और यहाँ उनके लिए उनके दरवाज़ों पे इस तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ तो वो एक बेहतर इकदाम होगा और यहाँ के लोगों के लिए एक सुख का सांस, यहाँ के नौजवानों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद पैदा कर सकते हैं। ये अब हम दरियोर पुल के ऊपर आए हैं, ये पुल नया बना है लेकिन यहाँ इस जगह में पुराना पुल इधर था जो लकड़ी का बना हुआ मुअल्लक पुल था, ये आपको दिखा दूँ ये वाला, और ये वहाँ पे जाके मिट्टी का जो टेला है इसके अंदर एक टनल बना हुआ है, डायरेक्ट टनल में जाता था और फिर उस तरफ उसका एग्ज़िट हुआ करता था। आप धूप जो ख़तरनाक गर्मी जो दिन में थी, बहुत तपिश थी, पसीने आ रहे थे, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब धूप चली गई है तो शाम बहुत ठंडी है और बहुत खूबसूरत है और आप देख रहे हैं कि मेरे बच्चे इस वक्त अपने मामू के घर में दनियोर में तीन घरों में आके सब मिल के आपस में खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी एंडिंग है, तो इस बात से मैं खुश हूँ।